गौरव परिवार की ओर से आप सबको नमस्कार। ट्राइबल से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें ट्राइबल इंडिया टीवी। क्या आपने सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया है तो अभी कीजिए। रांची जिला में विभिन्न दवा दुकानों में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों के साथ उपायुक्त छवि रंजन ने एक अहम बैठक की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट से उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने मुनाफाखोरी जमाखोरी करने वालों पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। वहीं बैठक में सभी ड्रग इंस्पेक्टर को बताया गया कि शिकायत मिलने पर किस तरह से कार्रवाई की जानी है। बैठक के दौरान रांची सदर के अनुमंडल पदाधिकारी, ड्रग इंस्पेक्टर और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी मौजूद रहे। एक हफ्ता से ज़्यादा हो चुका है कि हमारे प्रत्येक जो मेजर हमारे स्टॉकिस्ट हैं मेडिसिन के और रिटेल शॉप, वहाँ पे हम लोगों ने दो शिफ्ट सुबह से शाम मजिस्ट्रेट डिप्लॉय किए और इनका आज फीडबैक लिया जा रहा था कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं और आगे कैसे काम करना है। और ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि मेजर जो अभी चीज़ों का जो परचेज हो रहा है मेडिकल शॉप से, उस पर वो इंश्योर करें कि MRP पे रेट नहीं हो, MRP से ज़्यादा पे बेचा नहीं जाए। प्रत्येक शॉप के बाहर में रेट लिस्ट डिस्प्ले किया जाए, जैसे कि ऑक्सीमीटर है, मास्क है, PPE किट है, ग्लव्स है, सैनिटाइजर्स हैं। इसके अलावा जो मेजर दवाइयाँ हैं जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन है, पैरासिटामोल्स है और जिंक, विटामिन सी एवं अन्य कई सारे दवाइयाँ जिसका अभी डिमांड ज़्यादा है, उन सभी का जो MRP रेट है वो वहाँ पर डिस्प्ले करें ताकि कोई भी कस्टमर अगर वो परचेज करने आता है तो उसको पता है कि मुझे इसी रेट पर देना है और किसी भी परिस्थिति में MRP से ज़्यादा पर उसका बिक्री ना हो। कोई भी व्यक्ति बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाइयाँ ना खरीदे, जमाखोरी ना करे, मुनाफाखोरी ना करे, इस पर भी हम लोगों ने सबको हिदायत दी है। और हमारे जितने भी ड्रग इंस्पेक्टर से वो भी उपस्थित थे यहाँ पर आज की मीटिंग में, उनको भी बताया गया है कि वो अगर कोई शिकायत मिलती है तो ड्रग इंस्पेक्टर को कैसे काम करना है और तुरंत स्विफ्टली जाकर वहाँ पर चीज़ों को हल करे या FIR करना है, जो भी लीगल एक्टिविटीज़ है उसको करने के लिए। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो कि दुकानों पे नहीं मिल रही, और यदि इसकी सूचना अगर आपको मिलती है तो उस पर भी ड्रग इंस्पेक्टर और हम जिला प्रशासन को खबर करें ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।